मैं चार्जर लाया था जो कि हमारे मथुरा एरिया में वो बने नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई ये नहीं बनेगा और बोल दिया था सीधा आईसी शॉर्ट है, जबकि उनको अच्छी तरह यहाँ पर मल्टी टैग में ट्रेस किया गया था। बिल्कुल भी आईसी शॉर्ट नहीं थी, उनमें और ही प्रॉब्लम थी, जैसे कैपेसिटर वगैरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए अच्छी तरीका से और यहाँ पर बने थे वो, और मैंने भिजवा भी दिए बनवा के। मैं कम से कम 6 चार्जर लाया था, 6 में से 5 बन गए, अभी एक रखा है मेरा, उस पर अभी प्रोसेसिंग चल रही है, वो बनने वाला है, मतलब उसमें भी मॉसफेट फटे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस, मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बच्चे जो कि क्लास उनका कवर हो गया है या समाप्त हो गया है या उनका कोर्स समाप्त हो गया है, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं आज, तो अपना कुछ रिव्यू देना चाहते हैं मल्टीटेक के बारे में और मल्टीटेक कैसा पढ़ाता है वो आपके सामने वो खुद बोलेंगे। और मैं इन पे बिल्कुल जोर नहीं डालूंगा कि मेरे दबाव में कोई भी चीज़ ना बोलें, वो जो भी मल्टीटेक कराता है वो सच सच बोलेंगे। तो मैं सबसे पहले विवेक जी को बुलाना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम है, आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। आइए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं नेपाल के नेपालगंज सिटी से आया हूँ। सर, नेपालगंज सिटी से आप जो मल्टी कैसे जाने? वो सर, मैं पहले वीडियो देखता था सर, उसमें मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता था, मैं भी आता था, और इसी तरह से मैं वीडियो देखते देखते मुझे अब फुल कोर्स लेना होगा, सीरीज वाइज लेना होगा, आगे से पीछे तक जितने भी है वो सब कुछ नॉलेज लेना होगा, इसीलिए सर मैं आपके साथ क्लास लेने के लिए मल्टीटेक में आया सर। अच्छा, तो आपने जो यहाँ पे पढ़ाई की, चाहे वो थ्योरेटिकल पढ़ा चाहे प्रैक्टिकल पढ़ा, वो कितना परसेंट समझ में आया? मुझे लगता है सर 80% तक मुझे समझ में आ गया है। जो वो मेन होता है कि सर वो काम कैसे कर रहा है, वो वर्किंग कैसे कर रहा है, अगर वो समझ में आ गया और कंपोनेंट का जो काम है वो समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आ ही जाएगा। सर आपने मुझे खाली चार्जर ही नहीं पढ़ाया कि मुझे आपने सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है वो मुझे। कि दोस्तों ये कह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी को आ गया तो जाहिर बात है वो अच्छा कर सकता है, और मेरा भी ये मानना है कि जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपोनेंट का बहुत अच्छा नॉलेज है तो किसी भी डिवाइस को आसानी से ठीक कर सकता है, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, मॉस्फेट कैसे काम करता है, डायोड कैसे काम करता है, आईसी कैसे काम करती है, अगर आपको ये सब नहीं मालूम तो दिक्कत आती है। तो हमारा ये कोशिश होता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे हम बता सकें। एक और क्वेश्चन है कि आपने जो यहाँ पे स्टेमेटिक डायग्राम भी सीखा, पढ़ा, समझा, यानी डायग्राम, सर्किट डायग्राम को समझ पाए हैं? बहुत अच्छी तरह से समझ पाया हूँ सर मैंने, वो मैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं पहले ही सर वो बेसिक का बारे में उसका थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने रखा था, कि अपने सर्च करके इंटरनेट से ले लिया था कि किसका सिंबल कैसा होता है, कि कौन कैसे काम कर रहा होता है, तो मुझे सर ये सर्किट देखने में पता चल जाता है कि सर यहाँ पर ये कंपोनेंट लगाया तो इस तरह से काम कर रहा है, आगे ये हो रहा है सर, तो समझ में आता है सर, और मैं खुद भी अब बना सकता हूँ एक सर्किट, किसी भी नहीं अगर मेरे साथ में कोई पीसीबी आ गए तो मैं उसको सर ट्रेसिंग करके अपने आप उसको डायग्राम भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ सर, अब मुझे ऐसा लग रहा है सर। राइट, बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, मैं जानबूझ करके दोस्तों मैं बच्चों के सामने ही एस्टिमेटिक डायग्राम बनाता हूँ। इसका फ़ायदा, मेरा मेन मकसद ये होता है कि मेरे को देख करके बच्चे भी एस्टिमेटिक डायग्राम बनाना सीख जाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें ट्रेस करने में आसानी होती है और सेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करने में भी आसानी होती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आप नेपाल से आए हैं तो अपने इलाके के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि मल्टीटेक के बारे में ज्वाइन करें ना करें? जी सर, मैं मेरे ही इलाके नहीं, मैं पूरी जो भी जो ईवी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी से क्लास लेना चाहते हो तो बिल्कुल कुद्दूस सर से ही ले, मैं ये आप लोगों को रिफ़र करना चाहता हूँ। तो आगे आपका क्या प्लान है?
सर मैं यहाँ से जाके अब मैं अपना रिपेयर का सब अपना जो ओपन करूँगा सर, यहाँ से जाके उसमें मैं चार्जर कंट्रोलर सब कराऊँगा। अगर कोई मुझसे हेल्प लेना चाहता है वहाँ पर तो मैं उसको हेल्प भी दे दूँगा सर, जितना मेरे से होगा। तो एरिया तो बता दीजिए कहाँ खोलना है। जी मुझे वो नेपाल में नेपालगंज सिटी है जो ट्रेन में आता है सर, वहाँ पर हमें हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा रिक्शा चल रहे हैं, ईवी टोटो, और मेरे पास खुद भी रिक्शा है सर, ये कोई 25-30 रिक्शा है मेरे खुद के, तो उनके लिए मेरा पैसा जो बाहर जा रहा था वो भी मेरा अपना ही मैं रिपेयर कर लूँगा, और जो बाहर से आ रहा है उनको भी मैं रिपेयर करके दे दूँगा सर। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये अब तो अब्रॉड माने जाएंगे यानी नेपाल के माने जाएंगे तो वो हमको कैसे फ़ोन करेंगे, तो इनको भी मैं बोलता हूँ, ये हमारे नेपाल से बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और उनका कहना होता है कि मैं फ़ोन कैसे करूं आपको, तो जवाब होता है कि हमारा इंटरनेट चालू रहता है यानी 9 बजे से लेके रात की 9 बजे से लेके 6 बजे तक शाम तक आप हमें कोई भी कॉल कर सकते हैं जैसे कोई दिक्कत आती है तो। लेकिन एक चीज़ आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे आप जो पढ़ रहे थे तो मेरे पास फ़ोन आ रहा था तो मैं उसको पिक कर रहा था या नहीं? बहुत ही सर मुझे ये बात बहुत इंस्पायरिंग लगी कि जब हम ऐसी तरह से क्लास में बैठ रहे होते तो मेरे जैसे जो स्टूडेंट हो जो यहाँ से पहले जा चुके हैं कोर्स कंप्लीट करके, उनमें कोई दिक्कत आ गई तो सर को कॉल कर सकते हैं वो, फिर मैं तो नेपाल से हूँ और मैं व्हाट्सएप पे सर से बात कर सकता हूँ कि क्या क्या हुआ है, और मुझे सर डायरेक्टली कॉल पे वहाँ पर प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व करवा देंगे अगर मैं फंस गया तो। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि नेपाली भाषा में ये कुछ अपने इलाके के को संदेश दें कि ईवी का क्या स्कोप है, वो मल्टीटेक ज्वाइन करके क्या क्या कर सकते हैं, तो ये इन्हीं के जवानी ये बताएं नेपाली भाषा में। साथी भाइहरू तपाईहरूले जो ईवी फील्ड में अब आउँदो जेनेरेसन चाहिँ ईवीमै छ, भविष्य ईवीमै छ, पुरानो जो गाडीहरू छन् डिजल पेट्रोल का यो गएर अब ईवी आउँदैछ, त यसमा धेरै राम्रो स्कोप छ। अहिलेदेखि नै तपाईँहरू ईवी सीमा फिल्डमा छिर्नुभयो, मल्टिटेकमा आएर चाहिने ईवीको क्लासहरू लिएर आफ्नो नलेज लिएर आफ्नो ठाउँमा जानुभयो भनेपछि अभियसली नै तपाईँहरूको फ्युचर ब्राइट हुने नै छ, त्यही भन्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। तो दोस्तों अब हमारे एक दूसरे स्टूडेंट हैं, उनका भी लगभग कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो उनसे भी मैं रिव्यू जानना चाहूँगा मल्टीटेक के प्रति वो क्या सोच रहे हैं। तो मिस्टर राज बिहारी आप इधर आइए और कुछ मल्टीटेक के बारे में बताएं। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों और भाइयों को, मैं मथुरा जिले के पास बरसाना गाँव का हूँ और मेरा पहले इंटरेस्ट था, मैं मतलब ई रिक्शे का काम करता था, तो मुझ पर मोटर कंट्रोलर चार्जर कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहिए वहीये का ही काम करता था, तो कस्टमर लोग बोलते थे यार इसका भी सीख। तो मैंने देखा और मैंने कई जगह ट्राई किया और सर्च किया और सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पर मल्टीटेक, और यहाँ पर मैंने कुदू सर की वीडियो भी देखी, उनसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और मैंने यहाँ आकर कोर्स किया, और यहाँ आकर अब मुझे लगभग लगता है कि मैं कम से कम 75% चार्जर को अपने हाथों से रिपेयर कर सकता हूँ चाहे कैसी भी कंडीशन हो। और मैंने देखा और सर सबसे अच्छा सिस्टम यह है कि सर ये सिखाते हैं कि वो सर्किट काम कैसे कर रहा है, वो नहीं सिखाते कि मतलब ये क्या वो क्या, सर का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और एक बार ट्राई लें एक दो दिन, ये नहीं कि पहले एडमिशन नहीं, एक दो दिन ट्राई लगे और आपको अच्छा लगे जब आप एडमिशन कराएं, अन्यथा नहीं लगे तो भी आप एक दो दिन ट्राई लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोलर मोटर चार्जर सभी का कोर्स कराया जाता है और संतुष्ट तरीके से सिखाया जाता है। और सर की एक बात मुझे ये भी अच्छी लगी, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही हो, अगर बच्चा कहीं किसी भी कंडीशन में फंसा हुआ है और फ़ोन आ रहा है तो सर उसको अटेंड करते हैं, उस बच्चे की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं जब यहाँ पे क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने खुद राज बिहारी ने बताया है, ये बात अपनी जबान से बोल रहे हैं और ये सच भी है, क्योंकि दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी कभी सीखा था आज से 30-35 साल पहले, तो उस ज़माने में कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था, मुझे खुद बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी इन इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में,
तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे जब 30 साल पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, हम जिस टीचर से पढ़े थे तो न तो उनके पास फ़ोन था ना मेरे पास फ़ोन था जिसे मैं उनको बात कर सकूँ, लेकिन आज तो फ़ोन का ज़माना है, तो ये मैं महसूस कर चुका था कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें कई बार आती हैं तो उसको कोई थोड़ा सा हेल्प कर दे तो आगे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सोच होती है कि हम जैसे मैं 30-35 साल पहले किसी चीज़ को रिपेयर करने में दिक्कत आती थी तो क्यों नहीं हम उस दिक्कत को सॉल्व कर दें, यही सोच करके मैं अब बच्चों को अच्छी तरह से बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ से जाने के बाद भी, क्योंकि हमारा और इनका रिश्ता केवल 1-2 महीने का नहीं होता, वो लंबा तक होता है जब तक वो अच्छी तरह से समझ ना जाते। तो दोस्तों एक चीज़ और इनसे पूछना चाहूँगा कि अब मल्टीटेक के बारे में तो इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा इन्होंने कुछ चार्जेस भी लेके आए थे कस्टमर्स के जो वहाँ से रिजेक्टेड शायद हो गया था, तो क्या वो ठीक हुआ या नहीं? हाँ, मैं चार्जर लाया था जो कि हमारे मथुरा एरिया में वो बने नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई ये नहीं बनेगा और बोल दिया था सीधा आईसी शॉर्ट है, जबकि उनको अच्छी तरह यहाँ पर मल्टीटेक में ट्रेस किया गया था, बिल्कुल भी आईसी शॉर्ट नहीं थी, उनमें और ही प्रॉब्लम थी जैसे कैपेसिटर वगैरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए अच्छी तरीका से और यहाँ पर बने थे वो, और मैंने भिजवा भी दिए बनवा के। मैं कम से कम 6 चार्जर लाया था, 6 में से 5 बन गए, अभी एक रखा है मेरा, उस पर अभी प्रोसेसिंग चल रही है, वो बनने वाला है, मतलब उसमें भी मॉस्फेट फटे हुए हैं। राइट दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इन्होंने सही बोला, क्योंकि देखिए आजकल लोग बहुत कम जानते हैं इस लाइन में, वो अनुभवी व्यक्ति ही एक मोटे फॉल्ट को तो नहीं बल्कि बारीक फॉल्ट को बड़ी आसानी से एक अनुभवी व्यक्ति समझ जाता है और उसको हम सॉल्व किए, हालांकि इनके सामने ही वो सारा चीज़ बताई गई और साथ में क्लास में भी बताई गई कि वो कैसे ठीक होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप पढ़ते समय भी आप कमा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, लेने के बाद भी आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई मैं चार्जर और कंट्रोलर ईवी का सीख रहा हूँ या ई रिक्शा का सीख रहा हूँ, अगर ख़राब हो गया है तो मुझे दे दो और वो यहाँ से ठीक करके आप ले जा सकते हैं। तो आगे आपका प्लान क्या है? मेरा आप सभी से यही प्लान है कि अगर आप भी भविष्य मतलब सीखना चाहते हैं, अब कम से कम यही आगे चलेगा, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ई रिक्शे, इलेक्ट्रिक कार वगैरह, सबसे ज़्यादा अब यहाँ से ज़्यादा यही जोर चलेगा। अगर आपका मन है, उद्देश्य है सीखने का, कम ठान लिया है मुझे सीखना है, तो एक बार यहाँ नहीं कि एडमिशन ही कराना, एक बार आइए और देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कदम बढ़ाएँ, नहीं तो आपको मन नहीं है कि वो नहीं है, कोई भी परेशानी है तो सर हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है आते हैं। और दूसरी बात, कभी भी अगर आप कोर्स करके जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप बेझिझक फ़ोन करके सर से पूछ सकते हैं, सर आपको बेझिझक बाइक आता अच्छे शब्दों में समझाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच राज बिहारी, थैंक यू, बैठिए।